नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शैलेंद्र विजयवर्गीय, मेरे चैनल चितरंजन के टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन टॉपिक पाइल्स के बारे में, जिसको नॉर्मल भाषा में हम बवासीर भी बोलते हैं। तो पाइल्स क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानें। पाइल्स जो होता है, सुबह फ्रेश होते समय रेक्टम में जलन होना, चुभन होना, खुजली होना या ब्लड का आना बवासीर पाइल्स हो सकता है। पाइल्स दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है खूनी बवासीर और दूसरा मस्से वाला बादी बवासीर। दोस्तों, जिन लोगों का पाचन तंत्र कमज़ोर होता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, खाना हजम नहीं होता, या ऐसे लोग जिनको कब्ज की शिकायत रहती है, ऐसे लोगों के गुदा द्वार के अंदर की तरफ तथा आसपास के एरिए में कुछ मस्से हो जाते हैं। इन्हीं मस्सों को हम बवासीर कहते हैं। दोस्तों, खूनी बवासीर में मल त्याग के दौरान जब जोर दिया जाता है तो मस्सों में रगड़ लगती है और इसी रगड़ के कारण मस्सों से ब्लड आने लगता है, जिसको हम खूनी बवासीर कहते हैं। जबकि बादी बवासीर में मल त्यागते समय जो जोर देते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा जलन, चुभन, बहुत असहनीय पीड़ा होती है, इसको हम बादी बवासीर कहते हैं। इस बवासीर में ब्लड नहीं आता, सिर्फ मस्से फूल जाते हैं, आसपास के एरिए में सूजन आ जाती है। तो ये देखा हमने खूनी बवासीर और बादी बवासीर में अंतर। दोस्तों, अक्सर क्लिनिकली मुझे देखने को मिलता है कि बहुत से लोग जो बवासीर के होते हैं वो श्रम के कारण इस बीमारी को छुपा लेते हैं, किसी से जिक्र नहीं करते, दर्द को, पीड़ा को सहते रहते हैं। तो कुछ लोग ऑपरेशन भी करवा लेते हैं, कुछ लोग देसी नुस्खे अपनाते हैं, पर कहीं कोई निजात नहीं मिलती, क्योंकि ऑपरेशन करवाने के बाद भी यह प्रोसेस चालू रहती है, जो मस्से काट दिए गए हैं वापस से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। देसी नुस्खों से कुछ आराम हो भी जाए तो कुछ ही समय प्रॉब्लम वापस से देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इसका सही समय पर सही निदान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी जितनी पुरानी होती जाती है इसका बड़ा रूप बनता जाता है, क्योंकि जितना पुराना बवासीर बन जाएगा उतना ही बवासीर के बाद फीसर, फिस्चुला बनने के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अर्थात लेटिंग का रास्ता कट जाएगा या लेटिंग के रास्ते में पस बनना स्टार्ट हो जाता है, जो कि और भी भयंकर रूप ले लेता है। आप जानते हैं कि बवासीर होने का कारण क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा इसका जो कारण है, जो प्रोमिनेंट काज है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहना, अर्थात कब्ज की शिकायत रहना। लगभग देखा गया है 60-70% जो केसेस होते हैं बवासीर के, उसका सबसे बड़ा कारण है कब्जियत रहना। दूसरी चीज़ होती है, ऐसे लोग जो बैठकर काम करने वाले लोग हैं, जिनकी फिजिकल एक्सरसाइज लगभग होती ही नहीं है, ऐसे लोगों में भी पाइल्स की प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है। दोस्तों, तीसरा कारण होता है ओबेसिटी, अर्थात मोटापा। मोटापा जब बढ़ता है तो इंटर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। इंटर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने के कारण रेक्टम पर प्रेशर डालता है और वो भी एक पाइल्स का कारण बनता है। दोस्तों, अब देखते हैं कि इसका प्रिवेंशन क्या है, बवासीर से बचाव क्या है। तो दोस्तों, जैसा हमने देखा, इसका सबसे प्रमुख कारण होता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। तो सबसे पहले हमको कब्ज से बचना चाहिए, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर बंद कर देना चाहिए और साथ ही फूड, वेजिटेबल ऐसे खाने चाहिए जो रेसेदार होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इसमें रेगुलर एक्सरसाइज, कम से कम मॉर्निंग वॉक तो बहुत ज़रूरी है, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना हो सके वो करें। रेगुलर नियमित रूप से किस तरह के व्यायाम आप कर सकते हैं। पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए, जितना ज़्यादा पानी पियेंगे इसके चांस बीमारी के उतने ही कम होते जाते हैं। अगला प्रिवेंशन है दोस्तों, चाय कॉफ़ी अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो चाय कॉफ़ी कम कर दें, और अगर आपका मोटापा बहुत ज़्यादा है तो उसको भी कम करें। इसके अलावा बैगन, चावल, खटाई, ये सब चीज़ें बवासीर को बढ़ावा देती हैं, तो इन चीज़ों से बचें। तो दोस्तों, आप जानते हैं इसका सक्सेसफुल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों, जो मैं अपनी प्रैक्टिस में पिछले 24 सालों से यूज़ करता आया हूँ उसी के बारे में आपको बताता हूँ। पहला फार्मूला है पाइल्स डोलियोसिस। डोलियोसिस कंपनी का यह ड्रॉप होता है, पाइल्स के नाम से ही आता है।
इसकी दो ड्रॉप आप डायरेक्ट जीभ पर डालिए दिन में 3 से 4 बार। अगर आप फ्रेश होकर आए और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जैसा कि हम देखते हैं पाइल्स के मरीजों में फ्रेश होकर आने के बाद 2-2, 3-3 घंटे भी तकलीफ़ बनी रहती है, तो इस ड्रॉप को डायरेक्ट 2 या 3 ड्रॉप जीभ पर आप डाल लीजिए दिन में 3 से 4 बार। इसमें दूसरा फार्मूला है दोस्तों, 5 मदर टिंचर्स। 5 में से 3 मदर टिंचर्स नॉर्मली हम खूनी बवासीर और बादी बवासीर दोनों ही मरीजों में दे सकते हैं, और बाकी के 2 मदर टिंचर्स जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तब हम यूज़ करते हैं। और वो 3 मेडिसिन से हैं हमारी एस्कुलस क्यू, पेयोनिया क्यू और हेमामेलिस क्यू। दोस्तों इन तीनों को ही बराबर मात्रा में मिला लीजिए। मान लीजिए बाजार से आपको लाना है तो 30-30 ml की आप पेक बॉटल इसकी ला सकते हैं, और 100 ml की खाली बॉटल भी ले आएँ। यह 30-30 ml की जब बॉटल्स आएंगी तो टोटल क्वांटिटी होगी 90 ml। 100 ml की बॉटल में आप इसको 30-30 ml लगभग पूरी पूरी बॉटल्स उसमें मिला दीजिए तो 100 ml की आपकी बॉटल तैयार है। दोस्तों इसमें से आपको 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर में और 15 बूंद रात में अच्छे से हिलाकर 15-15 बूंद 3 टाइम आधे कप पानी में मिलाकर लेना है। बाकी की 2 मदर टिंचर जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो, पेशेंट्स आकर जब हमसे बोलता है सर कल से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, तो बाकी 2 मदर टिंचर्स डोलिकस क्यू और मिलीफोलियम क्यू, ये दोनों ही मिक्स करके एक बॉटल में मैं रखता हूँ। 3 से 4 बूंद सुबह, दोपहर, रात आधे कप पानी में दीजिए। 24 घंटे में दोस्तों मेजिकली रिजल्ट मिलेगा, और आपको पेशेंट्स आकर यही कहता है मुझसे कि डॉक्टर साहब एक ही दिन में ब्लीडिंग रुक गई। तीसरी जो मेडिसिन है दोस्तों वह है एफ पी टेबलेट। यह भी दोस्तों बहुत ही सक्सेसफुल रिजल्ट देती है। इसकी आप 2 टेबलेट सुबह, 2 टेबलेट दोपहर में और 2 टेबलेट रात में डायरेक्ट जीप पर लीजिए और चूस लीजिए। इन तीनों दवाइयाँ जो मैंने बताई है, इन तीनों दवाइयों के रिजल्ट देखिए दोस्तों, 2 महीने में कैसी भी बवासीर हो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों ये जो 3 मेडिसिन मैंने बताई हैं ये मेरी बहुत ही जांची परखी मेडिसिन हैं, जो पिछले कई वर्षों से मुझे 100% रिजल्ट दे रही है। दोस्तों अगर आपको ये प्रॉब्लम्स है जिससे आप बहुत ही असहनीय पीड़ा महसूस कर रहे हैं, आप इस्तेमाल करके देखिए, आप देखेंगे बहुत ही मैजिकल रिजल्ट आपको मिलेंगे। दोस्तों अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि मेरे न्यू अपडेट्स आपको बराबर मिलते रहें। थैंक यू।